सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जैसा कि प्रति रविवार को होता है, हम स्वामी विवेकानंद के कुछ विचारों पर चिंतन करते हैं, उस पे उनको पढ़ते हैं और उनके ऊपर अपना एक मनन करते हैं, और कैसे इन विचारों का अपने जीवन में, हमारी साधना में, हमारे जीवन के विभिन्न परिपेक्ष में इसको समझा जा सकता है, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। आज हम स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं वाली पुस्तक का तीसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे, और इस अध्याय का शीर्षक है कर्तव्य, ड्यूटी। हमें क्या करनी है, मनुष्य को क्या करनी है। हम सब जानते हैं ड्यूटी या करनी है या कर्तव्य, ये मनुष्य का ही एक विशेष अधिकार है, विशेष पे एक उत्तरदायित्व है। एक पशु में या अन्य प्राणियों में इस प्रकार का विचार कि मेरा कर्तव्य क्या है, नहीं आता। वो सब प्रकृति द्वारा नियंत्रित है। प्रकृति के द्वारा ही एक शेर अपने शिकार को मार के खाता है, ये उसकी कोई ड्यूटी नहीं है, ये उसका स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है। और अगर वो उसको मार के खाता है तो इसके लिए कोई अपराध भी नहीं है कि उसने मारा, इसलिए उसके अपराध करके उसे किसी प्रकार की सजा दी जाए। वो तो प्रकृति का बनाया हुआ एक नियम है, उसमें वो चलता है। तो स्वामी विवेकानंद इस बात को लेके कि मनुष्य का असल कर्तव्य क्या है, जो कि जानवरों से अलग है, इस विषय पर उन्होंने बहुत से विचार रखे हैं। हम इनसे कुछ विचारों को पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भिन्न भिन्न जातियों में कर्तव्य की धारणा भिन्न होती है। किसी देश में यदि कोई व्यक्ति कुछ विशिष्ट कार्य नहीं करता तो लोग उस पर दोषारोपण करते हैं, परंतु अन्य किसी देश में यदि वह व्यक्ति वही कार्य करता है तो वहां के लोग कहते हैं कि उसने ठीक नहीं किया। फिर भी हम जानते हैं कि कर्तव्य का एक सार्वभौमिक आदर्श अवश्य है। इसी प्रकार समाज का एक वर्ग सोचता है कि कुछ विशिष्ट बातें ही कर्तव्य हैं, परंतु दूसरे वर्ग का विचार बिल्कुल विपरीत होता है, और वह उन कार्यों को करना पातक समझता है। अब हमारे सम्मुख दो मार्ग खुले हैं, एक अज्ञानी का जो सोचता है कि सत्य का मार्ग केवल एक ही है और शेष सब गलत है, और दूसरा ज्ञानी का जो ये मानता है कि हमारी मानसिक दशा तथा परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य तथा सदाचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अतएव जानने योग्य प्रधान बात यह है कि कर्तव्य तथा सदाचार के विभिन्न स्तर होते हैं, और जीवन की एक अवस्था के, एक परिस्थिति के कर्तव्य दूसरी परिस्थिति के कर्तव्य नहीं हो सकते। किस प्रकार से हम इसको निर्धारित करें कि क्या हमारी ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है, ये एक प्रश्न हम सबके सामने आता है। ये जो हमने पढ़ा, ये स्वामी जी के कर्मयोग से लिया गया, स्वामी जी के जो कर्म योग जो प्रवचन है उसके ऊपर। स्वामी जी कहते हैं कि कैसे कर्तव्य का विचार बदलता है।
अब जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी को किसी प्रकार से कोई हिंसा करता है, मारता है, तो दंडनीय है। किंतु वही व्यक्ति अगर वो सैनिक बन के देश की रक्षा करता है और उस दौरान अगर वो कुछ, जिसे हम कहते हैं कि उसने कुछ हिंसा की, उसने अपनी गोली को ठीक ढंग से चलाया, तो हम उसके लिए उसको दंड क्या, उसको तो पुरस्कार देते, वाह तुमने बहुत अच्छा किया, देश की रक्षा की। जो एक समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए दंडनीय है, वहां पुरस्कार देने योग्य हो जाता है। ऐसे ही कुछ धर्म में कुछ चीज मानी जाती है कि ये चीज प्राप्त करना कर्तव्य है, किसी और धर्म में हो सकता है कहते हैं कि ये कर्तव्य नहीं है, इसको कर्तव्य समझना ही भूल है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर कर्तव्य करने की भावना में बहुत से प्रकार है। जैसा कि स्वामी जी कहते हैं कि एक परिस्थिति के कर्तव्य दूसरी परिस्थिति के कर्तव्य नहीं हो सकते। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और वो एक प्रकार से अपना व्यवहार करता है, एक प्रकार से वो बिहेव करता है। अब वही अगर कोई बड़ा व्यक्ति करे तो कहते हैं अरे तू क्या छोटा बच्चा है, तो बड़ा नहीं हो गया, तो अपनी उस परिस्थिति से बाहर नहीं आ गया क्या, तो अभी भी इतने बच्चों जैसी बात करता है। अर्थात हाँ, जैसे जैसे हमारे में परिवर्तन आता है, वैसे ही कर्तव्य में भी परिवर्तन आता है, कर्तव्य की धारणा में भी परिवर्तन आता है। तो ये बात पहले हमें समझ लें कि इतनी विभिन्नता है, लेकिन साथ में ये भी है कि एक सार्वभौमिक आदर्श भी आवश्यक है, एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ ट्रूथ या यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ ड्यूटी, ये भी आवश्यक है और ये भी होता है। इसको लेकर स्वामी जी ने पहले बहुत सी चर्चा की, उसी पुस्तक में की है। तो एक जगह वो कहते हैं कि सबसे बड़ा जो कार्य, जिसको हम कह सकते हैं कि ड्यूटी है, वो है कि जो हमें निस्वार्थता की ओर ले जाए, वो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो हमें स्वार्थी बनाता हो, जो हमें संकीर्ण बनाता हो, जो हमें सब समय अपने मन को छोटा करने के लिए उत्साहित करता हो, उत्सुक करता उकसाता हो, उससे हमें दूर रहना, यही कर्तव्य का मानो एक अंतिम विचार है। उससे पहले बहुत से स्तर हैं, बहुत से लेवल्स पे हम उसको समझते हैं। स्वामी जी आगे कहते हैं, हमारा पहला कर्तव्य यह है कि अपने प्रति घृणा ना करें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि पहले हम स्वयं में विश्वास रखें और फिर ईश्वर में। जिसे स्वयं में विश्वास नहीं, उसे ईश्वर में भी कभी विश्वास नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है कि हम अपने आप से घृणा न करें। अक्सर लोग अपने आप को छोटा मान लेते हैं किसी एक स्थिति में, कहते हैं कि हमने हमारा जन्म ऐसी परिस्थितियों में हुआ, ऐसा परिवार में हुआ, सोसाइटी के इस प्रकार की जगह पे हुआ, या मेरी घर परिस्थितियाँ ऐसी हैं, मैं स्कूल में नहीं पढ़ा, मेरे को वो चीज़ नहीं मिली, तो मैं बहुत छोटा हूँ, जिसको अंग्रेजी में विक्टिम एटीट्यूड कहते हैं। विक्टिम, मैं तो एक बेचारा। तो स्वामी जी कहते हैं ऐसा कभी नहीं सोचना, कि हमें अपने आप को बेचारा या अपने आप को घृणित रूप से नहीं देखना, अपने आप में विश्वास रखना है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने आप को इस तरह बेचारापन से सोचता है कि मैं इस परिस्थितियों का मारा हूं, वो जीवन में कुछ नया कर नहीं पाता। स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज एक बात कहा करते थे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, दो तरह के लोग, क्या, वन हु आर द क्रीचर्स ऑफ हिस्ट्री, जो मानो इतिहास के द्वारा बनाए जाते हैं, मतलब इतिहास, जो इतिहास की घटना है, अभी भी जैसे इतिहास चल रहा है, इतिहास ये थोड़ी कि आज से 40 साल पहले का इतिहास है, अभी भी इतिहास बन रहा है, तो इतिहास के द्वारा गढ़े जाते हैं। अर्थात जो बाहर की परिस्थितियां होती हैं, बस उन परिस्थितियों को मान लेते हैं, उनका अपना अवदान कुछ नहीं होता, अपना पुरुषार्थ नहीं होता, अपने बारे में उस अपना हम क्या कर सकते हैं नहीं सोचते, वो सोचते हैं बस मैं इतना ही हूँ और मेरे में कोई क्षमता नहीं, वो अपने आप को बहुत सीमित कर लेते हैं। तो कहते हैं कि वो है दे आर ऑल क्रीचर्स ऑफ हिस्ट्री। और फिर वो कहते थे
कि ऐसे ही, लेकिन कुछ लोग होते हैं, और यही हमारा आदर्श होना चाहिए कि वी शुड बिकम द क्रिएटर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास को बनाने वाले बनना चाहिए। इसके लिए ये आवश्यक है कि हम अपने आप को छोटा ना माने, अपने आप को इस तरह से सीमित ना कर लें, अरे मुझे, मैं तो इसी परिस्थितियों में हूँ। अक्सर हम कभी कभी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो इन इस प्रकार की जो छोटी संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठे होते हैं, तो यही लोग अक्सर में जीवन में कुछ प्राप्त कर पाते हैं। नहीं तो अपने ऊपर एक प्रकार से रोना, एक प्रकार से क्रंदन, अरे मैं तो मेरे में तो ये गुण नहीं है, मैं ये उसको उपलब्ध नहीं कर पाया, मेरे जीवन में एक खालीपन है, एक अधूरापन है, एक निराशा है, एक हताशा है। तो इस तरह से अगर व्यक्ति सोचता रहता है तो उसमें प्रगति नहीं होती। तो उसे पहले है कि अपने आप में विश्वास रखे, अपने अंदर निहित जो उसका एक उसमें जो संभावनाएं हैं, पोटेंशियल है, उसके ऊपर विश्वास रखे, नहीं मेरे में परिवर्तन हो सकता है, मैं अपनी चीज़ों को उसमें परिवर्तन ला सकता हूँ, मेरे अंदर में जो मानो बीज रूप में जो संभावनाएं हैं, जैसे पेड़ होता है वो बीज रूप में होता है, उसको आरोपित किया जाता है, फिर उसमें उसको खाद दी, उसको पानी दिया, उसको सब चीज़ें दी, जब जैसे देते जाते हैं तो वो पेड़ बढ़ने लगता है। वैसे ही मनुष्य है, मनुष्य के अंदर जो संभावनाएं हैं, जो अच्छी संभावनाएं हैं, दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, उसमें दुर्संभावनाएं भी हो सकती हैं, अच्छी संभावनाएं भी हो सकती हैं। तो अपनी जो अच्छी संभावनाएं हैं उसका विकास करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए हम किस प्रकार का अपनी अपना संग रखते हैं, कंपनी रखते हैं, हम किस प्रकार के लोगों के साथ मिलते हैं, किस प्रकार की बातों को सोचते हैं, किस विचारधारा से अपने आप को जोड़ते हैं, इसका भी हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति वैसे तो अच्छा है, हम कभी कभी कहते हैं अरे वो तो बहुत अच्छा था, अभी उसमें क्यों ऐसा परिवर्तन आ गया, तो आप ध्यान से देखेंगे उसमें परिवर्तन लाने का एक कारण यह है कि उसमें कोई ऐसी संगत में पड़ गया, या फिर वो ऐसी एक विचारधारा से जुड़ गया जो अपने आप में अभी उसके इस अवनति का कारण है। तो क्यों उसके परिवर्तन आया? तो मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो कभी उसने किसी प्रकार का वो व्यसन नहीं किया, मान लीजिए उसने कभी मद्यपान नहीं किया, शराब नहीं किया, लेकिन वो कुछ ऐसे मित्रों से मिल गया जो हर रोज उसको करते 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 उनकी उन बातों से मिलता है, उनकी बातों को सुनता है, वो किस चीज़ की प्रशंसा करते हैं, किस चीज़ को पाना मानो अपने आप में एक उपलब्धि मानते हैं, तो देखेंगे उसका जो प्रभाव है उसके ऊपर ऐसा पड़ता है, धीरे धीरे उसके मन में भी यह बात जागृत हो जाती है कि जो वो कर रहे हैं मैं भी वही करूँ। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति है, वो सत्संग करता है, वो गीता पढ़ता है, उसके ऊपर विचार करता है, अपने जीवन में अच्छे चीज़ों को लाने का प्रयास करता है, तो उसका प्रभाव भी उसी पे पड़ेगा जो उसके साथ जुड़ जाएगा। माँ शारदा कहती थी ना कि जैसे आप अपने हाथों से, मान लीजिए आप कुछ फूल उठाते हैं, तो फूलों को उठा के इधर रखा उधर रखा, तो आपके हाथों से फूलों की गंध आती है, तो आप क्या हैंडल करते हैं अपने मन से, वो हमको दिखाई देता है हमारे व्यवहार में, हमारे विचार में, हमारी वाणी में। तो अपने आप में विश्वास रखना, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ये हमारा पहला कर्तव्य है। पहला कर्तव्य ये है कि हम अपने आप से घृणा ना करें, अपने आप को छोटा ना समझें, अपने आप को घृणित किसी तरह से मत देखें। अगर कोई दूसरा हमको घृणा करता है तो ये उसकी प्रॉब्लम, हमें अपने आप से घृणा नहीं करनी चाहिए, उसकी उसकी घृणा का इफेक्ट उस पर पड़ेगा, हमें अपने आप में विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग हैं जिनको ऐसी स्थितियों में जाना पड़ता है, जैसे स्वामी विवेकानंद जब वो अमेरिका गए, तो हम यहाँ आज से 125 130 साल बाद कहते हैं अरे स्वामी जी को इतना नाम यश मिला, स्वामी जी इतने प्रसिद्ध हो गए, सभी लोग उनका गुणगान करने लगे, उनका जयकार हुआ। ये तो सत्य है, लेकिन इसके साथ में और भी एक सत्य है, और वो सत्य है जब वो वहां गए तो चूंकि वो पहले एक ऐसे भारतीय थे, ऐसे सन्यासी, हिंदू सन्यासी थे जो वहां गए थे,
उनकी वेशभूषा देख के कितने लोगों में ये, अरे ये किस प्रकार से अपने वेश डाल उन्होंने डाल रखा है, ये कहाँ से आए हैं। और कभी कभी उनको उनके पीछे लोग पड़ भी गए, जैसे उनके कोई कोट को कोई खींच रहा है, कोई उनकी पगड़ी को ऐसे पीछे से हल्का सा एक करता है, और किसी ने पूछा भी, व्हाई डू ड्रेस लाइक दैट, आप ऐसे क्यों भाई अपने आप को ड्रेस करते। स्वामी विवेकानंद ने कहा, वैसे वो व्यक्ति बड़ा अच्छा था, वो एक अच्छा एक पारिवारिक आदमी था, लेकिन उसका मन इतना संकीर्ण था, उसे लगा कि मैंने ये इस प्रकार की जो वेशभूषा डाली है ये ठीक नहीं है, व्हाई डू ड्रेस लाइक दैट। इस प्रकार से स्वामी जी को बहुत सी वहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत सी चुनौतियाँ थी। इतना ही नहीं था, कुछ लोग थे जो स्वामी जी के जो बाद में उन्होंने प्रवचन दिए विभिन्न जगहों पे, उससे उनकी ईर्ष्यालु हो गए और उनके बारे में अलग अलग बातें कही जो सत्य नहीं थी। जब स्वामी जी अमेरिका पहुंचे, उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था कि हाँ मैं यहाँ प्रतिनिधि बन के आया हूँ। उस जमाने में कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि पहचान पत्र की आवश्यकता है। और फिर कैसे हम जानते हैं, उनके पास पैसे खत्म हो रहे थे, जब वो शिकागो पहुंचे तो पैसे बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि वो डेट्रॉइट जाएंगे, उनके पास में एक नगर है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, स्टैंडर्ड ऑफ जो एक्सपेंसेस हैं कम थे। तो रास्ते में वो एनिस्पैम नाम की एक जगह पे गए, जहाँ पे रास्ते में उनको इसमें रेलगाड़ी में एक भद्र महिला मिल गई, जो उन्हें ले गई अपने छोटे से गांव में जो बॉस्टन के पास में, एनिस्क्वेम, वो घर जहाँ स्वामी जी रहे थे अभी भी है। हमारे एक स्वामी जी जो बॉस्टन में रहते थे, हमने उस घर को देखा है एक बार, उस गांव उधर देखने के लिए गए थे, अमेरिकन गांव। बोले वहाँ से फिर स्वामी जी का परिचय, फिर वो बाद में किसी और जगह गए, वहाँ से किसी और से परिचय हुआ, एक स्प्रिंगफील्ड नाम के शहर में गए, फिर वहाँ पे एक ग्रीक फिलोसोफर थे जो ग्रीक को पढ़ाते थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने उनको प्रचार पत्र दिया और बड़ी प्रशंसा की। स्वामी जी ने कहा, तो मैं आया हूँ, मेरे पास कोई प्रशंसा पहचान पत्र नहीं है। तो स्वामी जी ने, उन्होंने कहा, आपसे पहचान पत्र, आपसे पहचान या एक इंट्रोडक्शन ऐसे ही है, पूछना ऐसे ही, जैसे सूर्य से कहना अच्छा तुम क्या प्रकाश दे सकते हो, ये तो अपने आप में बड़ा ही स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है आपको बोलना है। इतनी सब मुश्किलों के, जब फिर वो शिकागो पहुंचते हैं दोबारा, उनके पास एड्रेस गुम जाता है और रात को वो सब जगह घूमते रहते हैं, उनको जगह नहीं मिलती, ठंड का समय है, भूखे हैं। तो अगले 2 दिन बाद तो वो पार्लियामेंट में जाके सर्व पूरे लोक में प्रिय हो गए, लेकिन इतना उनको यश मिला, लेकिन उस दिन 2 दिन पहले वो एक रेलवे के डब्बे में जाके सो जाते, खाली पड़ा था वहाँ पे जाके सो गए। और सोने के बाद फिर सुबह उठते हैं, वो बड़े थके हुए थे, बड़े उन्होंने भोजन नहीं किया था, तो कैसे वैसे करके आगे जाते हैं। पहले वाले जहाँ पे वो अपना रास्ता गुम गए थे शहर के उस वाले हिस्से में, वहाँ पर ज़्यादातर लोग जर्मन बोलने वाले थे, तो उनकी बात को कुछ समझ नहीं पा रहा था। अभी जहाँ स्वामी जी पहुँच रहे हैं वहाँ पे अंग्रेजी समझने वाले लोग, तो स्वामी जी की बात लोग समझ रहे हैं, लेकिन कोई सहायता नहीं कर पा रहा, कोई इतना सहानुभूति पूर्वक उनको देख नहीं रहा। उनको देख के कभी कभी जो वहाँ के नौकर हैं उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, ये कौन है दिखने वाला एक पगड़ी वाला व्यक्ति। और फिर ऐसे चलते चलते वो थक के पेवमेंट के एक किनारे बैठ जाते हैं। तभी मानो जैसे एक भगवान की कोई फिल्म होती है, तो फिल्म की तरह सामने से एक मकान में एक महिला देखती है, बड़ी संभ्रांत महिला है, तो आती है पूछती है, स्वामी जी क्या आप इस जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हो रही है, क्या उसके आप प्रतिनिधि हैं। बोले तो हाँ, आइए मेरे घर में आइए, मैं आपको सारी व्यवस्था कर देती हूँ। अब इतनी मुश्किलें हो के गए स्वामी जी को, और भी बहुत सी, मैं तो कुछ ही बोली है, और भी बहुत सी, लेकिन जब वो जाके अपना प्रवचन शुरू करते हैं, तो क्या वो अपनी अपनी परेशानियों के बारे में बोलते हैं, क्या वो कहते हैं कि मेरे को यहाँ आने में बड़ी मुश्किल हुई, यहाँ कष्ट हुआ, मुझे वीसा नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, कुछ एक बात भी नहीं उनके मुख से निकलती। वो कहते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ
आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने हम लोगों को बुलाया है। और मुझे अपने आप में विश्वास है कि मैं एक ऐसी जाति से, ऐसे धर्म से आया हूँ जो अपने आप में सबसे पुराना धर्म है। इतना आत्मविश्वास, बार बार कहते हैं, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन, प्राउड। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो बेचारा गरीब देश से आया हूँ, हमारे देश में तो कुछ और ही रूल करते हैं, मैं दुखी हूँ, हमारी सहायता, ऐसा नहीं। आत्मविश्वास रख के अपनी बात कहते हैं, यही चीज हमें सीखनी होगी। यहाँ पे जो स्वामी जी कह रहे हैं कि पहले अपने आप में विश्वास रखिए और फिर ईश्वर में। ऐसी बहुत सी घटनाएं अमेरिका में 4 साल में जब स्वामी जी रहे, बहुत सी घटनाएं होती हैं जो दिखाता है कि उनमें अपने आप में भी विश्वास था और ईश्वर में भी बहुत विश्वास था। एक समय था जब आरंभ में, कहते हैं अपने मद्रास के एक भक्त को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, इट मे बी दैट आई शेल डाई इन दिस कोल्ड, मतलब इतनी ठंड थी वहां पे, इन दिस कोल्ड हंगरी अनकेयर्ड फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड, हो सकता है मैं यहीं पे इसकी मेरी में, लेकिन फिर भी मैं जिस कार्य के लिए आया हूं उसको मैं छोड़ूंगा। कितना विश्वास है। और साथ ही ये भी कहते हैं, ईश्वर मुझे रास्ता दिखाएंगे, ईश्वर अवश्य मुझे ठीक रास्ते पे ले चले। स्वामी जी के जीवन में बहुत से संघर्ष, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां थी, लेकिन जैसे स्वामी जी ने अपनी बातें यहाँ पे कह रहे हैं, वो कैसे उन्होंने उन परिस्थितियों को झेला और कैसे उनसे बाहर से निकले, इसी यही बात है कि पहले हम अपने आप में विश्वास रखें, फिर ईश्वर में। जिसे स्वयं में विश्वास नहीं है उसे ईश्वर में भी कभी विश्वास नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं हम तो पापी हैं, हम तो दुखी हैं, ईश्वर ही सब कुछ है, ये भी अपने आप में श्री राम कृष्णदेव इसको कभी स्वीकार नहीं करते थे, तो इसको अप्रूव नहीं करते थे। क्यों अपने आप को पापी मानते हो? तुमने कुछ भूलें की हो सकती है, हर व्यक्ति कोई भूल करता है, लेकिन अपने आप को वहीं तक सीमित कर लिया। तुम्हारे अंदर जो इतनी क्षमता है, इतनी संभावनाएं हैं, जो वेदांत का यही तो एक मूल बात है। एक बार किसी ने पुस्तक श्री रामकृष्ण देव के पास पढ़ी, उसमें पाप पाप की बात आती थी, बाइबल ही थी, तो श्री रामकृष्ण उसको सुन के कहते, क्यों पाप की बात कर रहे हैं बार बार, हमें पाप की बात की थोड़ी करनी, एक बार मैंने ईश्वर का स्मरण किया है और अब पाप क्या है, बस ऐसा विश्वास। तो हम अपने आप को छोटा ना समझें, ये बात कि हम अपने आप को छोटा समझें, अपने आप को पापी समझें, नीच समझें, कभी लोग, कभी कुछ लोग सोचते हैं अरे हम तो बड़े विनम्र हैं, ये विनम्रता थोड़ी होती है कि सब समय अपने आप को छोटा समझना। विनम्रता अर्थात कि व्यक्ति वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए तत्पर है, ये है विनम्रता। बहुत से लोग तो अपने आप को कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ भी प्राप्त करने के लिए भी वो तैयार नहीं। जैसे एक मनोरंजक घटना बताई जाती है कि एक कोई शिष्य थे और गुरुदेव बैठे, तो गुरुदेव ने कहा थोड़ा पानी ले आऊं, अरे पानी, मैं तो नीच, मैं कहाँ पे पानी का ग्लास उठाने के लिए, नहीं किया उसने काम। फिर गुरुदेव थक गए, बहुत सी बातें कहीं, सबसे में इस तरह का उत्तर देते, फिर उसने एक पंखा उठाया, गुरुदेव जी ने पंखा उठाया और अपने आप को पंखा झेल रहे हैं तो ये पास में आ गए, ये क्या कर रहे हो, प्रसाद पा। ये है हम अपने आप से आत्म वंचन करना, अपने आप को ही, अरे पहले जब किया तुमको काम करने के लिए बोला तब तो कहा पापी हूं नीच हूं, और अभी पास में आके इस प्रकार की बात। तो अपने आप को हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर क्या प्रयोजन, क्या प्रवृत्ति है, हम क्या करना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं हमें अपने, जिससे अपने आप में विश्वास नहीं उसे ईश्वर में भी कभी विश्वास नहीं हो सकता। ये मानो जब हम कर्तव्य की बात कर रहे हैं, ये इसका पहला सोपान है कि अपने आप में विश्वास रखें, ईश्वर में विश्वास रखें। इसी बात को हम अगले सप्ताह फिर आगे पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति, हरिः ॐ तत्सत्।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।